हर पूजा में देव का आवाहन हो, देव की पूजा हो, देव की प्रार्थना हो, देव का ध्यान हो। इसके साथ साथ में दोस्तों, एक जो चीज अति आवश्यक होती है वह होता है देव या देवी का भोग। देव और देवी के भोग के विषय में कई बार पूछा जाता है कि किस देव को कौन सी वस्तु प्रिय है ताकि हम उसका भोग लगाएं तो अभीष्ट फल प्राप्त हो। बस दोस्तों, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको एक सटीक उपाय भी बताएंगे कि आपको केवल एक ही भोग से सभी देव और देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो फिर आपको अलग अलग भोग लगाने की आवश्यकता रह कहां जाती है। अब इससे पहले कि हम अपने विषय पर आएं, अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी दर्शक गणों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले दोस्तों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर। अब आप हर देव और देवी के बारे में पूछते हैं कि किस देव को और किस देवी को कौन सी वस्तु प्रिय है ताकि हम उसका भोग लगाएं। दोस्तों, यदि आप उनके रुचिकर भोग लगाते हैं तब वे अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं और आपको मन चाहा फल भी प्रदान करते हैं। अब हम दोस्तों आपको सिर्फ एक ऐसा भोग बताएंगे जिसे आप किसी भी देव को लगाएं, किसी भी देवी को लगाएं, नव ग्रह को लगाएं, क्षेत्रपाल देव को लगाएं, दस दिग्पाल देव को लगाएं, सबको प्रिय है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भोग जो सभी देव देवी और देवताओं को प्रिय है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, आप पूजा की सरल विधि के बारे में जानते हैं। मैंने आवाहन के बारे में भी बताया कि सभी देवों का गणेश जी के साथ में आवाहन कर लिया करें। पूजा विधि के अंदर सभी देवों के आवाहन के बाद फिर अपने प्रधान देव ही आते हैं। अब आ रहे हैं जैसे नवरात्रि, तो माँ दुर्गा उसमें अपनी प्रधान देवी के रूप में होती है। तो अब विशेषकर नवरात्रि में भी आपको यह काम आने वाला है और नवरात्रि के बाद भी आप कभी भी किसी भी देव या देवी को भोग लगाएं तो आपको यह सदा काम आता रहेगा। इसे जान लें दोस्तों, आप पूजन करें, आवाहन करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और उसके बाद में आती है अंत में जब आप भोग लगाते हैं। आप किसी भी देव का या देवी का भोग लगाएं तो दोस्तों, आप एक जायफल, दो इलायची और जरा से मिश्री के दाने दोस्तों एक चम्मच में डाल लें और चम्मच में फिर उसमें घी भर लें। दोस्तों, हो गया भोग तैयार। समझ गए होंगे दोस्तों, कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, नव ग्रह हो, दस दिग्पाल हो, आप जिसे भी खुश करना चाहें, सबको यह भोग अत्यंत प्रिय है। आप इसका भोग लगाओगे तो आपको मन चाहा फल उस देव या देवी की तरफ से अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आप यह प्रयोग करके देख लेना। भोग लगाने की विधि आपको आती ही है। आप दीपक जला करके सामने अपना जलता हुआ कंडा पहले गैस पर उसे तैयार कर लें, वो जलने लग जाए तो उसके दीपक के सामने रख दें और उसमें जरा सा घी डालें तो अग्नि उसमें लग जाएगी। फिर उसमें आप भोग लगाएं, माँ का ध्यान करें, देव का ध्यान करें। जो भी नवरात्रि में तो आप माँ का ही ध्यान कर लेना, माँ का ध्यान करके ये भोग लगा देना और भोग शाम को एक समय पर लगा दिया करें। अब यदि इस भोग को आप किसी भी हवन में देते हैं तो उस देव या देवी के मंत्र के साथ में इस भोग को
डालने के बाद, अपने मंत्र के बाद में स्वाहा बोल दें, तो वह भी उनका एक प्रिय भोग ही हो गया। यह यज्ञ यानी हवन में भी अति उत्तम है, और जो साधारण तरीके से आप पूजा करते हैं तो उसमें भोग लगाएं, उसमें भी अति उत्तम है, और देव और देवियों को यह भोग अति प्रिय है। एक जायफल, दो छोटी इलायची, थोड़े से मिश्री के दाने चम्मच पे रख के चम्मच में घी भर लें और भोग लगा दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस भोग से आपके देव हो या देवी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको आपका मन चाहा फल अवश्य प्रदान करेंगे। दोस्तों, ऐसा करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं और छह माता जी के साथ बने रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अपना यह प्रोग्राम जरूर पसंद आता होगा, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर लें। दोस्तों, हो सकता है आपका किया हुआ शेयर किसी को मन को भाए और उसके काम बनने लग जाए, और उसके काम बनेंगे तो वह जो दुआएं देगा वह आपको ही देगा। दोस्तों, किसी की दुआएं लेना भी एक बहुत बड़े आशीर्वाद का काम करता है, देव और देवी की तरफ से भी यह आशीर्वाद का काम करता है। दोस्तों, ऐसा करें और इसका लाभ उठाएं। जल्दी ही फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए छह माता दी, छह माता।